सो गाइज, अगर तुम्हारे पास भी इंटेलियन है या फिर तुम उसको खरीदने का सोच रहे हो, तो गाइज ये चीज़ भूल जाओ, स्नाइप शॉट चलाना तो भूल ही जाओ एकदम। लाइक डेसी का स्पिरिट शैगल इज 1000 टाइम बेटर देन इसका नल्ले पाओ का स्नाइप शॉट। एंड अगर तुम्हें इंटेलियन चलाने हैं तो वो चलाने की वजह होने चाहिए लिक्विडेशन और एक्रोबेटिक्स का कॉम्बो। भाई इसको ऑब्वियसली और बफ मिलने वाले हैं, ये मेरे से लिखवा के ले लो। लिक्विडेशन का क्रिट रेट या डैमेज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एंड गेम प्ले का मजा भाई तब तक नहीं आता जब तक हम टारगेट ना रखें। सो इस मैच में हम टारगेट रखते हैं किल्स का 20 का एंड लाइक्स का भी 20 का, ठीक है ना। अगर 20 किल हुए तो भी 20 लाइक कर देना, अगर नहीं हुए तो भी 20 लाइक कर देना। लेट्स गो गाइस। और जो भी चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर दो, वीडियो कर दो लाइक एंड लेट्स गेट टू द गेम प्ले। और ये देखो भाई, इस चिंदी चोर को लगता है ये आराम से बच के निकल जाएगा। हालांकि वाटर गन है भाई अपने पास, इतना तगड़ा मूव भाई, इससे ज़्यादा तगड़ी वाटर गन किसी की नहीं है भाई। इतना ज़्यादा डैमेज है ना सिक्योर करने के लिए, इतना ज़्यादा। देखो इसका जो यूनाइट मूव है पूरा का पूरा लाइक उसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके बेसिक अटैक डैमेज के ऊपर। सो बेसिक अटैक की स्पीड और डैमेज बहुत मैटर करती है उसमें। सो इस पर तुम चाहो तो रैपिड फायर स्कार्फ लगा सकते हो, बट मैं प्रेफर नहीं करूँगा, रहने ही दो। क्योंकि पूरा अगर तुम स्पेशल अटैक का बना के जाओ इसे, जैसे कि मैंने डबल स्पेक्स और स्लिक स्पून लगा रखा है, तो अच्छा खासा डैमेज जा रहा है भाई, लिक्विडेशन का अच्छा ही जा रहा है। अदरवाइज़ इसको और बफ मिलेंगे, क्योंकि ये इतना भी ज़्यादा डैमेज नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्क्विशी पोकेमोन है ये। सो इसका डैमेज थोड़ा और होना चाहिए इसके मूव्स का। बट भाई स्नाइप शॉट से तो लाख गुना बेटर है, जिसका भाई मतलब ऑन मतलब स्नाइप शॉट को एम करने में, मतलब उसका चार्ज करने में इतना टाइम लग जाता है कि सामने वाला तुम्हारे पास एकदम बैठा भी रहे ना, तब भी तुम उसको मार नहीं पाओगे। मतलब भाई साहब वो दो मुक्के मारेगा ये बंदा ख़त्म हो जाएगा। अब ये देखो भाई कितना प्यारा रश हो गया भाई आराम से। लेट्स गो बीरो, अब ये भी जाएगी भाई। मतलब इतना अच्छा रश करवाने वाला पोकेमोन है ना, मतलब क्या ही बताऊं गाइस इसका मैं। अब ये देखो मेरे को लग रहा है हमारे साथ चिंदीगिरी होने वाली है, सो मेरे को निकल सा जाना चाहिए यहाँ पे। ओके भाई निकल जा भाई, हमको लड़ना ही नहीं है। ये देखो अब सिज़ोर को भी पीट दूंगा मैं, लेजिट भाई मजाक नहीं कर रहा, सिज़ोर को पीट देंगे। ये देखो इसकी मोबिलिटी भी अच्छी खासी है, लाइक इस पर थोड़ा ये स्लो हो जाता है बस ये चलाने के बाद। अरे भाई म्यूटू का क्या ही सही टाइम पे आया, लॉल भाई बच गए। अगर म्यूटू का अल्ट ना आता ना भाई गया था मैं। अरे भाई लाइक मैं कह रहा हूँ कि इसकी मोबिलिटी काफ़ी अच्छी है यार, बस वो जो लिक्विडेशन चलाने पे इसका स्लो इफेक्ट हो जाता है वो थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा कम स्लो होना चाहिए। ये मैं प्रेफर करूँगा थोड़ा बफ में, और लिक्विडेशन का थोड़ा डैमेज बढ़ जाए, एंड क्रिट रेट बढ़े ना बढ़े वो अलग बात है, क्योंकि एक्रोबेटिक्स अच्छा खासा क्रिट रेट बढ़ा तो देता है। सो तुम्हें मतलब बैटल करने से, मतलब किसी पोकेमोन से फाइट करने से पहले अपना क्रिट रेट ज़रूर से बढ़ा के चलना है। एंड देखो भाई क्या ही प्यारा डॉज किया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे भाई तीन बंदे बूम बम करेंगे तो भाई कैसे ही बचूंगा, यहाँ पे कोई फ्रंट लेन ही नहीं है। ओके सो अब बात आती है कि कब कौन सा मूवसेट चलाना है। मान लो अगर तुम टीम के साथ खेल रहे हो तो लिक्विडेशन चलाओ, लिक्विडेशन काफ़ी बेटर है टीम के साथ खेलने के लिए, क्योंकि आराम से पीछे से डैमेज करो भाई, सामने तुम्हारे फ्रंट लेन होंगे, तुम्हारे डिफेंडर्स ऑलराउंडर होंगे जो तुम्हें कवर देंगे, सो तब लिक्विडेशन बेटर है। एंड यूनाइट मार्केट आराम से तुम पुश करवा सकते हो, बहुत सही है अगर तुम लिक्विडेशन खेलो टीम के साथ। बट वहीं अगर तुम सोलो क्यू खेल रहे हो तो सोलो क्यू में स्नाइप शॉट भी तुम खेल सकते हो चाहो तो, वैसे तो लिक्विडेशन भी चल जाएगा अगर सामने स्क्विशी मॉन्स हैं या फिर तुम्हारी टीम थोड़ा अच्छा खेल रही है। बट मोर ओवर तुम्हें स्टील करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सोलो क्यू में तुम्हें पता है भाई खुद ही करना है, जो करना है तुम डिपेंड नहीं कर सकते किसी के ऊपर, तो स्नाइप शॉट वहाँ पर काफ़ी बेटर चॉइस हो जाती है। लेकिन वहाँ अगर तुम स्नाइप शॉट खेलोगे तो तुम डैमेज का काम नहीं कर पाओगे, और वहीं अगर तुम्हारी टीम नली खेलती फिर तो भाई तुम स्नाइप शॉट के साथ भी पिट जाओगे, वहाँ लिक्विडेशन के साथ भी पिट जाओगे। सो सोलो क्यू टोटली लक पर डिपेंड करता है, बट स्टील करने के लिए स्नाइप शॉट बेटर रहेगा सोलो क्यू में। वहीं टीम के साथ तुम लिक्विडेशन चला सकते हो, बाकी तुम्हारी मर्जी है भाई, तुम्हें जो अच्छा लगे वो चलाओ, बिंदास सबसे एडवाइस लेने का, लेकिन करो वही जो खुद को अच्छा लगे। तो लेट्स गो ब्रो। एंड यहाँ पे ना गाइस मेरे को म्यूटू को मारने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि भाई म्यूटू इतना ओपी चल रहा है ना, जब जब मैं म्यूटू को मारता हूँ मज़ा आ जाता है, लाइक सेटिस्फेक्शन सी मिलती है कि भाई सामने वाले की म्यूटू चलाने की उम्मीदों पे पानी फेरना है। इसलिए यहाँ पे म्यूटू को देख के मैंने कभी अल्ट मार दी, भाई म्यूटू तेरे को तो मैं मारूंगा ही मारूंगा जो मर्जी हो जाए भाई। स्वैग मतलब स्वैग नहीं, अच्छा सा फील होता है भाई, सेटिस्फेक्शन मिलती है म्यूटू को मार के। एंड यहाँ पे ये देखो गुडरा यहाँ पे चाहे तो मेरे को मार सकता है, उसके पास 2-3 हिट्स और मैं खत्म अगर मैं यहाँ पे इससे फाइट करता रहूँ। ये देखो मेरी एचपी कैसे जा रही है, अब यहाँ पे वो भी आ गया सिज़ोर और निश्वाइम, सो मैं थोड़ा पीछे हट गया कि मैं रेंज से मारूंगा। एंड यहाँ पे मैंने म्यूटू का फ़ायदा उठाया कि भाई तू डैमेज ले, मैं पीछे से आराम से डैमेज देता रहूँगा। एंड यही तुम्हें करना है अपनी टीम के साथ, तुम्हारी टीम पूरा बीच में घुस के मारेगी जो कि फिजिकल अटैकर डिफेंडर वगैरह होंगे, एंड तुम्हें दूर से डैमेज देते रहना है, जिससे तुम ईजी पीजी सामने वालों को ख़त्म कर दोगे, जैसे कि यहाँ पर हमने ख़त्म किया गुडरा को। एंड बाकी लोग भाई हेल्थ कम होने की वजह से भाग ही गए भाई, क्या ही सीन है मतलब। ओके यार जल्दी से रेजी लगे ले लेते हैं, कोई सीन नहीं है यहाँ पे, म्यूटू सिक्योर कर ही लेगा जहाँ तक मेरे को लगता है। एंड यहाँ पे कोई आएगा ही नहीं उनका, नेवर माइंड फॉर डैट। ओके ब्लेजिकन आ रहा है गाइस, बाय द वे ब्लेजिकन से याद है मैंने ब्लेजिकन पे वीडियो बनाई थी कि ब्लेजिकन एक अच्छा काउंटर है म्यूटू के लिए, सो वो वीडियो जिसने नहीं देखी देख लेना, आई बटन में लिंक दे दूंगा।
एंड भाई इंटेलियन को तो ब्लेजिकन मार ही नहीं सकता अगर इंटेलियन खेलना आता है बंदे को, क्योंकि भाई ये इतना मोबिलिटी वाला पोकेमोन है, ब्लेजिकन के सारे फिजिकल अटैक हैं, वो चाहे तो फिस्ट पंच और फोकस ब्लास्ट मूव से थोड़ा डैमेज दे सकता है, बट इंटेलियन को मारना ब्लेजिकन के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि इंटेलियन थोड़ा मोबिलिटी वाला पोकेमोन है अगर देखा जाए तो। ईजी पीजी इंटेलियन तब तक ख़त्म कर सकता है ब्लेजिकन को जब तक ब्लेजिकन उसके पास आकर उसको डैमेज देगा। सो काफ़ी अच्छा पोकेमोन है यार इंटेलियन बेसिकली अगर देखा जाए तो। यहाँ पे तुमने देखा ही है कैसे इजी पीजी रश भी हो गया भाई हमारे म्यूटू की बदौलत। लेट्स गो बीरो। यहाँ पे मैं और मेरी टीम का म्यूटू फिर से उनके पोकेमोन्स के पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं भाई। ये देखो भाई क्या ही मतलब इजेक्ट बटन, मैंने इसीलिए बोला इजेक्ट बटन रखो इस पे, बहुत जोर चीज़ है भाई इस पे इजेक्ट बटन। ये लो भाई ये भी गया। एंड यहाँ पे हम म्यूटू को भी इजी पीजी निकाल देंगे गाइस, कोई भारी सीन नहीं है, कोई मतलब भारी सीन नहीं है, बस गया ये। लेट्स गो बीरो। अबे व्हाट द फक डूड, क्रिट बहुत है यार उसका डूड। अब उस पर क्रिट एम्ब्लम यूज करो भाई, कति जंड भाई लगातार क्रिटी क्रिट जाएगा भाई उसके मेगा इवॉल्व होने पे म्यूटू एक्स पे। क्या यार 1v3 पे पानी फेर दिया भाई इस म्यूटू ने। लेकिन ये देखो म्यूटू को भी हम मार सकते हैं अगर म्यूटू नल्ला पाउगिरी करेगा, जैसे ये अभी सोच रहा है कि मेरे को आराम से मार देगा क्लोज में आके, लेकिन इसको नहीं पता भाई ये हमारे बेस में है, हम रेंज से इसको मार सकते हैं, वो बात अलग है। मैं एकदम तीली की तरह हूँ भाई, मतलब कागज़ होता है ना कागज़, अगर कागज़ भी इंटेलियन के ऊपर गिर जाए तो इंटेलियन पटक जाएगा कागज़ के वेट से भाई, मतलब ये इतना स्पेशी है ना क्या बताऊँ। नेवर माइंड ब्रो। भाई साहब पता नहीं किसको मिला भाई, आई गेस हमको मिला रिक्वाजा लॉल भाई इन लोगों ने, अच्छा जब मैं मरा था तब ले लिया होगा, नेवर माइंड। हाँ एक्चुअली उस वक्त जब जब म्यूटू पर गोल करने आया था हमने उसको मारा था, तब म्यूटू के पास शील्ड नहीं थी, सो ऑब्वियसली हमने ही लिया होगा। एंड देखते हैं गाइस क्या सीन है गोल्स का एंड किल्स का, क्या हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ। चलो जितने किल्स होगी उतने लाइक तो कर ही देना, 17 किल्स तो चलो गाइस 17 लाइक तो बनते हैं। एंड डैमेज कितना है, जितना डैमेज होगा उतने व्यूज़, ठीक है 113 व्यूज़ का टारगेट है गाइस। लेट्स गो, जल्दी से कंप्लीट करवा दो, लाइक सब्सक्राइब कर दो, ठोक दो एकदम, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज के बी लॉगिंग ऑफ एंड पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।